हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में वन बेस्ट शॉपी में। दोस्तों, आज हम जो कि रिव्यू करेंगे एक गोदरेज फ्रिज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो मैं खुद अपने घर में यूज़ करता हूँ, ये अमेज़ोन पे अवेलेबल है। अगर आप जो है कि चाहो तो मैं जो नीचे लिंक इसका दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका अमेज़ोन पे लिंक ले लेना। वहाँ पे आपको अगर लेना है तो जो है कि आप वहाँ से ले सकते हो। दोस्तों, ये फ्रिज सिंगल डोर का है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों ये जो है कि 3 स्टार है। देखिए, ये 3 स्टार है। जी हाँ दोस्तों, और ये रेफ्रिजरेटर है, ये गोदरेज कंपनी का है। इसका जो है कि टाइप है जो है वो है डायरेक्ट कूल, और इसका जो कि कैपेसिटी है ये 190 लीटर है। जी हाँ दोस्तों, 190 लीटर। जी हाँ दोस्तों, और इसका जो है कि ये वारंटी जो होता है 1 ईयर्स का जो है कंपनी का वारंटी होता है, और 10 ईयर्स का जो होता है ये वारंटी ऑन कंप्रेशर होता है। जी हाँ दोस्तों, ये 10 ईयर का वारंटी है, कंप्रेशर पे जीती जाते हैं ये कंपनी। ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है दोस्तों, मैं अपने घर में यूज़ करता हूँ। इसका लुक भी देखिए दोस्तों, कितना सुंदर है। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसका लुक कितना सुंदर है, फ्लावर बना हुआ है, सिंगल डोर का है। जी हाँ दोस्तों, ये साइड से देखिए ऐसे दिखता है। इसका हैंडल भी जो है कि बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, हैंडल का लुक भी जो है कि बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, बहुत ही सुंदर है। इसका लॉक देखिए ऊपर है, यहाँ से लॉक करना होता है। इसका गोदरेज एच प्रो इसका नाम है। जी हाँ दोस्तों, मैं नज़दीक से बता देता हूँ, गोदरेज एच प्रो। जी हाँ दोस्तों, 190 लीटर का। मैं आपको अंदर से इसका जो व्यू बता देता हूँ, ये है फ्रोजन फूड्स। जी हाँ दोस्तों, इसका स्पेस देखिए कितना अच्छा है, ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन स्पेस है। एक फिर है ये दूसरा, ये तीसरा, और ये वेजिटेबल्स के लिए, ये वेजिटेबल्स के लिए होता है। मैंने इसमें डब्बे रख दिया हूँ, लेकिन ये वेजिटेबल्स के लिए जो है कि बड़ा काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है जो है कि। और यहाँ पर जो है कि ये बॉटल है रखने के लिए है। देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है। ये है दूसरा दोस्तों, और फिर ये यहाँ है, और ये है यहाँ पे, फिर एक आखिर में यहाँ पे मैंने बिस्किट रखा हुआ है। दोस्तों देखिए, अंदर का लुक भी कितना अच्छा दिखता है इसका, है ना दोस्तों। ये सिंगल डोर के, सिंगल डोर का है ये। अगर आपके फैमिली में जो है कि 2-3 पर्सन लोग रहते हैं, 3 से 3 लोग भी रहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है ये है फ्रिज। जी हाँ दोस्तों, और इसमें जो है कि डिफ्रोस्ट के लिए यहाँ बटन दिया हुआ है, डिफ्रोस्ट के लिए। और यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम का भी जो है कि किया हुआ है। इसको घुमाना होता है, इस नॉब को, इसको जो है कि इस साइड में घुमाओगे तो ये मैक्सिमम जो है कि कूलिंग करेगा, और इस साइड में घुमाओगे तो मिनिमम कूलिंग करेगा। और डिफ्रोस्ट होता है इससे। अगर ये बटन जो है कि आप दबाओगे, इसको प्रेस करोगे, तो ये फ्रिज जो है कि डिफ्रोस्ट हो जाएगा, डिफ्रोस्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि पूरा बंद हो के वो सब उसका ये जो है ना, बर्फ़ वगैरह जम गया, वो सब पिघल जाएगा, पानी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये इसका रिव्यू है। ये तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं इसे तकरीबन जो है कि 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, 1 ईयर्स हो गया है मुझे इसके यूज़ करने के लिए, मेरे घर पे लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। मुझे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिल गया है, देखने में भी एकदम लुक बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, सुंदर लुक है, बहुत ही अच्छा लुक है इसका। तो दोस्तों, अगर आप जो कि ये ख़रीदना चाहते हो ये फ्रिज, तो जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके अमेज़ोन पे ख़रीद सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।